अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सबाहत अमाद। और आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद रखती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो क्रैक हील्स, क्योंकि विंटर्स आते हैं, क्रैक हील्स हो जाती हैं, अमूमन आमतौर पर भी हो जाती है, बट विंटर्स में ये लाजमी होती हैं। और कुछ कुछ इतनी सीवियर हो जाती हैं कि उसमें से ब्लड आ जाता है, लेकिन उसका इलाज बताते हैं रेमेडी में। चले मेरे साथ मिलकर बनाते हैं रेमेडी। लेकिन उससे पहले मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिएगा, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी कर दिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा और मेरी वीडियो को शेयर भी कर देगा। तो चले वीडियो को आगे लेके चलते। तो हमने ले लेनी है वैसलीन या कोई भी पेट्रोलियम जेली, एक टीस्पून लेना है। और उसको फिर अच्छे से हमने कर लेना मेल्ट, चाहे आप डबल बॉयलर की मदद से करें या डायरेक्ट चूल्हे पे करें, तो उसको हमने मेल्ट कर लेना। फिर उसके अंदर हमने विटामिन ई के कैप्सूल लेने हैं और वो मैंने दो ली है, दो लेके डाल दिए। फौरी से ये वैसलीन जमने लगती हैं। इसको हमने मेल्ट इसलिए किया था ताकि इवन के जो विटामिन ई के जो हमने कैप्सूल डाले हैं वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो हम मिक्स कर रहे हैं अच्छे से और अब इसको करेंगे हम पैरों पर अप्लाई। मैंने ये अपने लिए बनाया था क्योंकि मेरी भी हल्की हल्की से क्रैक हील्स होना स्टार्ट हो गई थी, तो मेरे तो एक ही दफ़ा में ये बिल्कुल सही हो गया। और जिनके बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं, जिसमें से ब्लड आ जाता है, बहुत ज़्यादा जो सख्त हो जाते हैं ना, तो वो पहले नीम गर्म पानी में 10 मिनट अपने पैर डिप करने, उसके बाद फिर ये लगाएं, तो उससे उनको बहुत जल्दी इफेक्ट फ़ायदा होगा। तो भाई मैंने अपने पैरों में अच्छे से लगा ली है और इसको थोड़ा सा मसाज भी कर लिएगा क्योंकि मसाज तो ज़रूरी होता है हर चीज़ के लिए। तो हम इसमें अच्छे से मसाज कर रहे हैं। उसके बाद जब ये अच्छी तरह से लग जाए तो फिर हमने एक शॉपर ले लेना है, पॉलिथीन बैग, उसको फिर पैरों पे हमने मान लेना है। उसके बाद फिर हमने सॉक्स पहन लेने और इसको आधे या एक घंटा हम लगा लें तो हमारे जो हल्की हल्की सी एड़ियाँ फट रही होती हैं ना, जो क्रैक हील्स होती हैं, वो सही हो जाती है। मैंने आधे घंटे लगाया था, उसके बाद मुझे फौरी इसका रिज़ल्ट मिल गया था। तो ये देख लीजिए आपके सामने ये। तो भाई ये थी मेरी आज छोटी सी एक रेमेडी। उम्मीद रखती हूँ कि आप सबको ये रेमेडी बहुत अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, अगर नए हैं तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा। और मेरी रेमेडी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एंड थिंक पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव।